आपको सब देख पा रहे हैं, आपको जो भी कि अखिल सर सामने सर आप सुन पा रहे हैं? यस यस हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सुषमा जी। तो सब बढ़िया। अपने अपने आप पर जी, मैं बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों से के सामने हूँ तो वायरल भी हुआ है तो थोड़ा डर लग रहा है अंदर से। कोई नहीं, वायरल ठीक हो जाए, जो आपने डिश बनाई है ना उसको पी के बाद। अच्छा, मेरे को लगता है ये सूप आपने नहीं पिया, नहीं तो वायरल होना ही नहीं चाहिए था आपको। नहीं, नहीं। रोज बनाती हूँ सर, मैं रोज बनाती हूँ। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और अपने डिश के बारे में बताइए, कैसे बनाया, क्या बनाया, क्या था। अच्छा, मैं सुषमा गुप्ता नागपुर की रहने वाली हूँ, और सूप के बारे में बताऊँ? हाँ मैडम, के बारे में भी बताइए और सूप के बारे में भी बताइए। हाँ, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, और ये बीट गाजर टमाटर का मैंने बनाया था समय, तो तीनों बीट का उसका प्रपोर्शन वगैरह सब बताऊं क्या रेसिपी में? नहीं नहीं रेसिपी मत बताइए। नहीं नहीं, वीडियो देख क्या था, आपके अंदर थॉट कैसे आया, आपने ये बीट और टमाटो का सूप कैसे सोचा कि मैं यही वाला सूप बनाऊं? सर ये मैं बहुत सालों से बनाती आ रही हूँ, करीब 15-20 साल हो गए, और सारे लोग इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत जल्दी बन Even जाती I like it also when I saw your video. हाँ, बहुत जल्दी भी बन जाता है, और जैसे मैंने बताया था बस उसको छीलना है, फट से रखना है कुकर के कंटेनर में और बन जाता है। अच्छा, सबके पास समय बहुत कम रहता है ना सर, और उनकी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, बीटरूट की, गाजर, टमाटर, बीटरूट कोई खा नहीं पाता है सर, वैसा रॉ ज्यादा नहीं खा पाते, ये बहुत अच्छे से खा सकते हैं, इसलिए मुझे ये लगा कि ये बनाना चाहिए। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे लग रहा है अच्छा बनाया था आपने, बट टेस्ट करेंगे तो और पता चलेगा कि कैसा था। गुड जॉब, एक्सीलेंट। और नहीं, ये आइडिया भी दिया है, ऐसे ही ज्यादा बना के फ्रिज में रखो, जब भी जैसा मंगाए निकालो, जितना आदमी के लिए लगेगा, और उसमें फिर नमक में ग्लो सब डाल के एडजस्ट करके दे। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रख देती हूँ, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रखेगा तो 4-5 दिन रख जाता है, 4-5 दिन इसे देखना नहीं पड़ता, और विदाउट सॉल्ट, और क्योंकि मैं गुड़ का यूज करती हूँ तो वो कुछ भी नहीं होता, उसे अच्छे से कंटेनर में रखे और निकाल कर उसे फिर गर्म करिए, उसे जो भी आपको डालना है वो डाल के गरम गरम सर्व करिए। आप लोग सब तो बहुत दूर रहते हैं नागपुर से, नहीं तो आइए, मैं आपको सही में बहुत अच्छा सूप बना के पिलाऊंगी। जरूर 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 आएंगे, अखिल जी अरेंज करेंगे तो डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। मुझे लेकिन बहुत कुकिंग का शौक है सर, लेकिन मैं आप लोगों जैसा नहीं बन सकती ना शेफ। नहीं नहीं, शेफ आप प्रैक्टिस करिए और घर से ही इसको सेल करने की कोशिश कीजिए, देखिए सेब से ज्यादा सेल कर पाएंगे आप लोग। हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में, हर तरह की चीज बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, और जैसे भी ठीक है, आप लोग जो चीज को 5 मिनट में बनाते हैं मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे आप गाइड करिए ना सर कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अपना। आप यूट्यूब चैनल पे करिए, देखिए आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो यूट्यूब चैनल के लिए हाँ आप लोगों का गाइडेंस चाहिए सर, कैसे करूं मैं, आप बताइए। मेरा वही अब एक एम रह गया है। अखिल सर का इसमें है, रडार में है कुछ ट्रेनिंग करने का, कैसा करने का आपको कुछ, ये सब हम लोग सोचेंगे और कुछ कुछ आइडिया निकालेंगे, तो थोड़ा जानकारी देने के लिए तो आप आगे बढ़ सकता है, वो भी कर देंगे। हाँ हाँ,
डेफिनेटली होएगा टाइम के हिसाब से, मे बी नेक्स्ट उसमें जब करेंगे तो अखिल जी आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। ठीक है, सपोर्ट जो चाहिए होगी विल डू इट। मैं आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए मुझे कि मैं YouTube चैनल बना सकूं और आगे बढ़ सकूं। आप लोगों जितना नहीं, आप बना के हमको हमको भी वीडियो भेज सकते हैं, हम हमारे चैनल पे डाल सकते हैं उसको। ओके सर, आपके नाम से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अब इतना पैशनेट है, वो पैशन से आप ऐसा कुकिंग करते हो, सब लोग आते रहेंगे, सब बस आप लोगों के बेस्ट विशेस चाहिए सर। नहीं, वो तो हमेशा है। और अखिल सर ने जो हम लोगों को कोऑपरेट किया है, मोटिवेट किया है, वो तो बहुत ज्यादा, वो नहीं रहते तो हम लोग आगे ही नहीं बढ़ सकते थे। नहीं, कोशिश भी करने के ना, आप इतना कोशिश कर देते है, वो बहुत अच्छा है सर। आप लोग प्लीज पर्सनली मेरी हेल्प करिए और मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं, बस यही बेस्ट विशेस आपकी तरफ से चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।